रायसीन नगर भूमि विकास बैंक में आज चेयरमैन कालू थोरी और वाइस चेयरमैन निंदर सिंह ढिल्लो को निर्विरोध नियुक्त किया गया। सरकारी भूमि विकास बैंक के रायसीन नगर के तमाम काश्तकारों में खुशी की लहर। हम आपको बता दें कि अनूपगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र रायसीन नगर में आज भूमि विकास बैंक का चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें सरकारी भूमि विकास बैंक के संचालन मंडल के 11 सदस्यों का चुनाव परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया था और आज 11 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव करवाया गया। निर्वाचन अधिकारी बेरो सिंह पालावत ने जानकारी देते हुए कहा कि संचालक मंडल सदस्यों के मतों की गणना की, जिसमें 79 सदस्यों ने मतदान किया और एक मत पत्र रद्द हुआ था और आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे गए, जिसकी जांच सुबह 11:30 से शुरू हुई और 12:30 तक की गई। नामांकन वापसी दोपहर 1:30 से शुरू हुआ और 2 बजे तक नामांकन वापसी लिए गए। सरकारी भूमि विकास बैंक में अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किए थे और उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 1 ही नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कालू थोरी को सरकारी भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष निर्विरोध घोषित किया गया और उसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर निंदर सिंह ढिल्लो को निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया गया। चुनाव संपन्न होते ही रायसीन नगर भूमि विकास बैंक के काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और रायसीन नगर के विभिन्न मार्गों से एक विशाल रैली निकाली गई और खुशी के साथ जश्न मनाया गया। ये रिपोर्ट बनाई है हमारे साथी रोल पत्रिका के संवाददाता निशांत सतराना ने।